हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, जब से लॉकडाउन लगा है सारे ऑफिसेज बंद हैं और स्टेट के रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे कोरोना के केस कम हो रहे हैं कुछ अपडेट मिल रही है। आज हम लोग तीन बड़ी न्यूज के बारे में देखने वाले हैं। स्टेट की 2021 में नई वैकेंसी आने वाली है, इसके बारे में मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था। दूसरी खबर ब्लाइंड केस से है, जो 1,20,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है। और तीसरा न्यूज स्टेट 2019 के ज्वाइनिंग से रिलेटेड है। आखिर कब तक जो तीन बचे हुए सब्जेक्ट हैं उसमें 24,000 छात्रों का रिजल्ट आना बाकी है, उसके बाद सभी छात्रों का मिलाकर एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट आ सकता है, तब जाकर कहीं ना कहीं काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, फिर ज्वाइनिंग होगी, सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग पहला न्यूज लेते हैं, जो कि आज के दैनिक भास्कर से कवर किया गया है, 29 मई 2021। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो बिहार में स्टेट 2021 में आने वाली भर्ती है, उसमें हाई स्कूलों में लगभग 33,916 शिक्षकों की भर्ती के लिए एक ही आवेदन दिए जाएंगे और सभी आवेदन ऑनलाइन होंगे। तो इस न्यूज का क्या मतलब है, इसमें क्या होता है, पहले जो आवेदन लिए जाते थे ऑफलाइन लिए जाते थे और सभी छात्रों को स्कूल में जाकर आवेदन करने होते थे, लेकिन इस बार ये पूरा सिस्टम चेंज हो गया है और सेंट्रलाइज तरीके से सभी आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। इसमें छात्रों को बेनिफिट बहुत सारे मिलने वाले हैं, क्योंकि छात्र घर पर भी अपना ऑनलाइन आवेदन मल्टीपल च्वाइस इसमें स्कूल दे सकेंगे और अपने च्वाइस के अनुसार स्कूल में ज्वाइनिंग होगा। यहाँ पर दिया गया है कि जो एक ही आवेदन का एक से अधिक नियोजन इकाई में चयन हो जाता है और एक के बाद दूसरे में रिक्त रह जाती है रिक्ति, इस प्रक्रिया में गड़बड़ी की संभावना रहती है। और जो सेंट्रलाइज तरीका से सिस्टम बनाया गया है, इससे क्या होगा कि योग्य अभ्यर्थियों का चयन आसानी से होगा, अभ्यर्थियों को भी अलग अलग नियोजन इकाइयों में भटकना नहीं पड़ेगा। तो ये बदलाव इसलिए किया गया है ताकि जो भी अभ्यर्थी है उनको सहूलियत मिल सके और पूरी प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन होने वाली है। तो यहाँ पे जो प्रक्रिया है वो आखिर कब तक शुरू होगी, ये भी दिया गया है। दरअसल छठे चरण की जो बहाली प्रक्रिया है उसको पूरी होने के बाद यह प्रक्रिया शुरू होगी। छठे चरण में 30,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले चरण की शिक्षक बहाली इस प्रक्रिया से होगी। और जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि अभी जो बहाली प्रक्रिया है वो कोरोना की वजह से और भी स्लो हो चुका है। और यहाँ पे ये भी दिया गया है कि इस बार मैट्रिक और इंटर के अंक नहीं जोड़े जाएंगे, यानी जो उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बहाली होती थी उसकी मेघा सूची बनाने में मैट्रिक और इंटर का अंक नहीं जोड़ा जाएगा। यानी जो भी यहाँ पे आपके एग्जाम में मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा और मेरिट लिस्ट बनकर तैयार होगा। तो बहुत ही अच्छी खबर है और देखना होगा कि शिक्षा विभाग इस वैकेंसीज को कब जारी करता है और आवेदन यहां पे एक्सेप्ट करता है। अगला जो न्यूज है वो है ब्लाइंड केस से। दरअसल 1,25,000 जो शिक्षक भर्ती है उस पर सरकार ने बोला है कि दिव्यांग कोटा को आरक्षण दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने 31 मई को फैसला देने को कहा है। दरअसल क्या हुआ था कि जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया थी उसमें जो दिव्यांग जो कोटा के जो भी छात्र थे उनको रिजर्वेशन नहीं दिया गया था पहले, लेकिन अब यहाँ पे कोर्ट के दखल देने के बाद सरकार 4% आरक्षण देने को राजी हो गई है। तो इसी को रिलेटेड यहाँ पे कोर्ट में सुनवाई थी और कोर्ट ने फैसला दिया था पहले कि जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है उस पर रोक लगा दिया था और कहा था जब तक दिव्यांग जो कोटा है उनको नहीं दिया जाएगा तब तक ये भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी। तो इसी के सुनवाई में यहाँ पे सरकार ने मान लिया है कि 4% रिजर्वेशन कोटा दिया जाएगा दिव्यांग को। यहाँ पे जो भी महाधिवक्ता है उन्होंने कहा है कि कुल रिक्तियों का 4% यानी 5,000 पदों को दिव्यांग के लिए आरक्षित रखते हुए शेष जो 1,20,000 पद हैं उन पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की इजाजत मांगा है हाई कोर्ट से। दूसरा ऑप्शन दिया है सरकार ने कि सभी जो 1,25,000 यहाँ पे जो रिक्ति है उस पर फिलहाल बहाली शुरू करने का आदेश दिया जाए, अनुमति देने के बाद से यहाँ पे इसका भविष्य इस मामले में पारित करने के फैसले पर फिलहाल निर्भर करेगा। यानी जो भी भविष्य में रिक्ति आएंगे उस पर जरूर ये बात को यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। तो अब यहाँ पे ये मामला जो है वो 31 मई को आने वाला है। 31 मई को देखना होगा कि कोर्ट क्या फैसला देती है। इस भर्ती प्रक्रिया से स्टेट का जो भी छात्र है उन पे भी काफ़ी असर पड़ने वाला है, क्योंकि स्टेट को जो छात्र हैं वो यहाँ पे छठे चरण कंप्लीट होने के बाद ही उनका भी यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, सरकार की मंशा ऐसी लग रही है कि छठा चरण और स्टेट दोनों को कंबाइन तरीके से पूरी किया जाए। तो ऐसे में अगर ये छठा चरण जल्दी से जल्दी कंप्लीट होता है तो स्टेट के भी ज्वाइनिंग प्रक्रिया जल्दी देखने को मिलेगी। तो देखना होगा
अगर हाई कोर्ट 31 मई को आदेश देता है कि सरकार को कि आप 4% आरक्षण के साथ दिव्यांग को कोटा दें और उसके साथ साथ जो जितने सारे 1,25,000 यहाँ पे शिक्षक भर्ती हैं सभी पे आप ज्वाइनिंग कराएं, तो यहाँ पे सरकार जल्द से जल्द सभी 6ठे चरण के जो अभ्यर्थी हैं उनका ज्वाइनिंग कराएगी और उसके साथ साथ स्टेट में भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। अब देखना होगा 31 मई को क्या होगा, अगर जो भी अपडेट होता है मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और यहाँ पे शेयर करिए। लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि जो स्टेट का ज्वाइनिंग है उसमें यहाँ पे देरी क्यों हो रही है और कब तक इसकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है वो पहले लॉकडाउन के पहले काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन इसका मुख्य कारण है लॉकडाउन, जिसके वजह से ऑफिसेज नहीं खुल पा रहे हैं। जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है उसका कार्यालय बेल्ट्रॉन दोनों के ऑफिसेज बहुत लिमिटेड काम कर रहे हैं। जैसे ही ऑफिसेज 1 जून के बाद खुलते हैं, जून महीने में सबसे पहले जो बचे हुए 3 सब्जेक्ट के 24,000 छात्रों का रिजल्ट है वो आने वाला है, उसके बाद पूरे 37,000 रिक्तों की जो मेरिट लिस्ट है वो आएगा। और मेरिट लिस्ट कैसे आएगा, जो भी कैंडिडेट एग्जाम में मार्क्स लाए हैं उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। मई मंथ में ही मेरिट लिस्ट आने वाला था मगर अब यह जून लास्ट वीक में आएगा, तो जून लास्ट वीक में हम मान सकते हैं कि जो मेरिट लिस्ट है बिहार स्टेट 2019 का आएगा। और मुझे लगता है कि जुलाई और अगस्त में सेंट्रलाइज तरीके से काउंसलिंग हो सकता है और सरकार दिसंबर 2021 से पहले ज्वाइनिंग कराएगी। और सेंट्रलाइज तरीका क्या होता है, ज्वाइनिंग की कैसी प्रक्रिया काउंसलिंग होगी, सब कुछ मैंने पहले के वीडियो में ही बताया था। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए कि कब तक ज्वाइनिंग हो सकती है और क्या लगता है आपको, जरूर फीडबैक कमेंट करके बताइए। और जो भी ऑफिशियल अपडेट होगा मैं आपको इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करूंगा, तो जब भी ऑफिशियल अपडेट आता है तभी मैं वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करता हूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।